यहाँ देखिए, ये लास्ट ईयर का डेकोरेशन है मेरा, तो ये मैंने खुद से किया था। ये मुंबई का आपको दिखा रही हूँ दिवाली डेकोरेशन, तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं। तो नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से, और बताएं कैसे हैं आप। हाँ जी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। देखिए तो सज चुका है मंदिर, और टेबल अभी आना बाकी है, तो वो भी आ जाएगा। वो वीडियो को डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगी। सुबह से लगी हुई हूँ, पहले मार्केट गई थी। ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पहले की हैं, नया बहुत कम मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली ये सब रखे हुए थे। ये देखिए, मेरे ड्रेस का नया दुपट्टा था, तो ये दुपट्टा यूज़ नहीं होता था बिल्कुल भी। मैंने इसको वॉल को डेकोरेट किया है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे वॉल पे थोड़ी पीछे की तरफ से सीलन थी, और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पपड़ी जैसे ऐसे ऐसे थोड़े दाग से लगे हुए थे। ऐसे डेकोरेट किया है मैंने दुपट्टे से वॉल को, और ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है देखिए। हाँ जी, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही कम खर्च में मैंने डेकोरेट किया है, घर की बनी हुई, घर पे पड़ी हुई चीज़ों से। देखिए, दुपट्टा लगाया है, और ये मैंने थोड़ी सी लड़ियाँ पड़ी हुई थी उनको यूज़ किया है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कर दिया है, और सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है। छोटी सी कील लगा के उसमें सारे टांग दिए हैं, और ये बहुत ही अच्छे भी दिख रहे हैं। और आप भी अपने लिविंग रूम को ऐसे सजा सकते हैं, अपने पूजा घर को सजा सकते हैं ऐसे। देखिए, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देगा, और इसको इजीली आप उतार सकते हैं, इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगेगा, और ये खूबसूरत भी बहुत ही दिखेगा। हाँ जी, तो आपको कैसे लगी मेरे पूजा घर की डेकोरेशन, आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखकर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। सभी फ्रेंड्स को एक बार मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।